सोनीपत सिंगू बॉर्डर पर चल रहा किसान आंदोलन बार बार विवादों में आ रहा है। कल भी सिंगू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में एक मुर्गा सप्लाई करने वाले मनोज पासवान नाम के शख्स के साथ निहंग सिख नवीन निवासी करनाल ने मारपीट की, जिसके बाद निहंग सिख जत्थेबंदियों ने नवीन को पुलिस को सौंप दिया और आज पुलिस ने नवीन को कोर्ट में पेश किया और ACGM अरविंद कुमार की कोर्ट ने उसे एक दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। जी, इसमें जज साहब ने एक दिन के ऑर्डर दिए हैं कस्टडी में रखने के, उसको भी चोट लगी हुई थी तो उसका भी जो है मेडिकल करवाने का आदेश दिया है और कल उसको ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। क्या क्या बहस हुई पुलिस की तरफ से, कोई रिमांड के लिए भी? नहीं, इसमें कोई रिमांड की कोई अपील नहीं आई थी इसमें सिंपली उसको पेश किया था। पेश करने के बाद जो है उसके बयान लिए थे, बस बयान लेने के बाद जज साहब ने ऑर्डर कर दिए थे उसको एक दिन में कस्टडी में रखने के लिए। वही जब निहंग सिख नवीन को कोर्ट में पेश कर मेडिकल के लिए नागरिक अस्पताल लेकर जाया जा रहा था तो कोर्ट से बाहर निकालकर नवीन ने मीडिया के कैमरे के सामने पूरे घटनाक्रम को बताया कि उसने उस शख्स को कहा कि वो यहाँ बीड़ी ना पिए और उसने मेरे गले पर हाथ लगाया और कहा तू कौन है, अगर कोई किसी के गले पर हाथ लगाएगा तो आदमी गुस्से में कुछ भी कर सकता है, अगर मुझ पर मुर्गा मांगने का आरोप सिद्ध होता है तो मैं जिंदगी भर अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। गुरु महाराज के घोड़े बंधे हुए हैं और महाराज का प्रकाश भी होता थे, वो बीड़ी पी रहा था, मैंने उसको ये बोला कि भाई तू इधर बीड़ी ना पी, तू आगे जाके पी ले। उसने मेरे इतिहास लगाया, तू कौन है मेरा घोड़ो घोड़े वाला, मगर मैं बताता हूँ जब गिरवान पे हाथ उठा देगा तो बंदा गुस्से में कुछ भी कर सकता है। वो आरोप लगा रहा है कि आपने मुर्गा मांगा उससे? अगर वो आरोप लगा रहे ना कि मुर्गा का आरोप साबित होता तो मैं अपनी गर्दन ला दूंगा, मैं जिंदगी में शिकल नहीं दिखाने का। नवीन जी, आप निहंग कब बने थे? निहंग ये भी कह रहे थे कि निहंग 14 अप्रैल 2021 को बना था, वैसाख वाले दिन मैंने अमृत छका था। कहाँ पे? यहाँ पे दिल्ली जो ये गुरुद्वारा बना रखे। कितने दिन से आप सेवा में हो जी? मैं जिस दिन दिसंबर महीने से सेवा में हूँ। ये कल किस समय की घटना है जिस टाइम आपने लठ मारा? 10 बजे के आसपास तो जाम लगा हुआ था, कोई माजदा को टाने के लिए आप आगे बढ़े थे? एक मेरे साथ में बलवान शेखपुरा और एक जीन बलवान शेखपुरा की वीडियो वायरल हुई है, वो आपके साथ था? बलवान शेखपुरा मेरे साथ, ले जाओ ले जाओ। बलवान शेखपुरा और मेरे एक भाई और मेरे साथ था, उसके रिश्तेदार आए हुए थे सावनपुर जबीरण से, उसकी गाड़ी निकलवाई। 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और सिंगू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन बार बार विवादों में आ रहा है। कल भी एक मुर्गा सप्लाई करने वाले शख्स के साथ निहंग द्वारा मारपीट का मामला सामने आया था तो इससे पहले निहंगों ने एक व्यक्ति से निर्मम हत्या कर दी थी। सोनीपत से पवन सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।